बजट का इंतजार हो रहा है जो कल पेश किया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रेल यात्रियों का अनुभव और उनकी मांग क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस गाड़ी में अब तो मैं तो कह रही हूँ कि मैं कभी नहीं चढ़ूंगी ऐसे गाड़ी में, क्योंकि मुझे इतनी परेशानियां सही है कि पिताजी हैं बूढ़े बीमार हैं, उनके लिए पानी लेने के लिए मुझे स्टेशन से बाहर निकलना पड़ रहा है। पानी, एक गिलास पानी ना, एक कप चाय भी नहीं मिला, ब्रश करके दोपहर 11 बजे तक हम लोग बिना चाय के हैं। वाइफ तो बिल्कुल है नहीं यहाँ पर, और गंदगी है और ट्रेन में बहुत बुरी हालत हो रही है ट्रेनों की तो इस टाइम, और कोई सुविधा मतलब खास सुविधा नहीं है खाने की, और मनमाने मतलब जो ट्रेन रुकती है किसी स्टेशन पे तो जो बेचने वाले होते हैं कोई खाना वाना तो मनमाने पैसे लेते हैं उसके। क्योंकि स्वस्थ भारत अभियान में सब लोगों को आना चाहिए और साफ सफाई रखना चाहिए, और सेकंड वन इज जो ये मनमानी कर रहे हैं जो चढ़ते हैं लोग गाड़ियों में, और जो 5 रुपए की चीज 10 रुपए बेचते हैं ये नहीं होना चाहिए रेलवे के अंदर। जनरल का तो हाल बुरा रहता ही है, स्लीपर का भी हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है, ना सॉकेट है चार्जिंग के लिए, ना खाने की कोई व्यवस्था है, बिल्कुल झंडू व्यवस्था है। पानी से सारे यात्री परेशान हैं, कंपार्टमेंट में पानी है ही नहीं, शिकायत कोई भी नहीं, शिकायत करने पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही।